दीपा गुप्ता कॉलेज टाइम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक खास मुलाकात करने जा रही हूँ जो एक किन्नर है, पर उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। आज शायद ही कोई प्रथम महिला ऐसी है जो एक किन्नर है, फिर वो एक जर्नलिस्ट बनने जा रही है, तो फिर आप उसके बारे में बताइए। कॉलेज टाइम्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, श्रीनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हम जैसे किन्नरों को समझा, जिन्होंने आज हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि लाइफ में आगे बढ़ने। हमें समाज में हर जगह से तिरस्कार मिला है, हर जगह से ताने सुनने मिले हैं, हर जगह से हमें नई नई वो बातें सुनने मिले। इवन जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या बस में ट्रेवल करते हैं या हम मार्केट में जाए कुछ खरीदने, तो लोग एक जो दृष्टिकोण जो नज़र से हमें देखते हैं उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। फिर हम एजुकेटेड हो या हम अच्छे फैमिली से हो, पर हमारे पे वो टैग है कि हम किन्नर है। तो मेरा ये कहना है कि आज जो मुझे कॉलेज टाइम से ये अपॉर्चुनिटी मिली है एज एन जर्नलिस्ट बोल के इस समाज में काम करने की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि श्रीनाथ जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक किन्नर होते हुए भी मैं अपने आप को इस समाज में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ एज एन जर्नलिस्ट बोल के। ये शायद से मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, बट अगर मैंने मन में ठाना है कि ये टफ है तो मुझे इससे जाना है, शायद ये टफ रास्ता मेरे लिए आगे जाके आसान बने। अच्छा जोया जी, आप एक पत्रकार बनने जा रही हैं, तो इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की है? मैंने सबसे पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत बनाया है कि मुझे आज समाज में उतरना है एज पत्रकार बन के। वैसे तो मैंने देखी हो कि कई पत्रकारों पे गलत सलत इल्ज़ाम भी लगते हैं, ऐसा है वैसा है, पर मुझे ऐसी पत्रकार बनना है जो कि समाज को सच्चाई दिखा सके, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के कुछ बताए। मुझे पत्रकार बन के लोगों की सेवा करनी है, जो सही मैसेज है वो मुझे लोगों तक ले जाना है। तो आपके अंदर ऐसा मतलब कभी आपने सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है, मुझे सोशल मीडिया में मेरा वो एक मेरी ऐसी मतलब ये स्टोरी ऐसी है कि मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ या कुछ लेके जाती हूँ तो मैंने देखा है कि अक्सर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे या आम इंसान पे, साधारण इंसान पे कोई ना कोई विपत्ता आ जाती है, कोई ना कोई दुविधा आ जाती है, या कहीं पे कुछ क्राइसिस हो रहा है, कुछ क्राइम हो रहा है, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर है कुछ। तो अगर मैं आज एक पत्रकार हूँ तो मैं उसे शूट कर सकती हूँ, उसका वीडियो ले सकती हूँ, या मैं जाके उनसे सवाल जवाब ले सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं, उसके तो प्रशासन को मैं वो मैसेज दे सकती हूँ। अगर उनका मैसेज नहीं जा रहा है गवर्नमेंट तक का, तो हमारे जरिए पत्रकारों के जरिए हम एक वो माध्यम है जो आम जनता का मैसेज एक गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। उस तरह से के साथ साथ आप जनता को भी जुड़े रहना जुड़ा रहना पहुंचा जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में ये चौथा स्तंभ है पत्रकार का, तो इसके लिए आपने क्या नियमों का पालन करना चाहेंगी, उनके रूल को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा आप क्या करना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आज एज अ फर्स्ट किन्नर जो पत्रकार बन के मैं समाज में आऊंगी, तो मैं अपने नियमों का पालन, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आईडी कार्ड, जो पत्रकार होते हैं मैंने देखा है पत्रकार अक्सर कोई जगहों पे अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं प्रेस में से हूँ, और वो कहीं भी एंट्री पा जाते हैं। सेकंड, अगर तुम पत्रकार हो तो तुम दिखाओ मत, पर करके दिखाओ। ये उन नियमों का मैं पालन करूँगी कि मैं अपने जो मेरा अधिकार है, जो मेरी पोस्ट है, एक होता है ना एक आईडी होता है पत्रकार का, आईडी मिलता है तो उसका बहुत से लोग गलत यूज भी करते हैं। आप एक्चुअली देखा भी, आप तो ट्रैवल करती हैं लोकल ट्रेन में जाना आना, तो बहुत से लोग ऐसे होते जो पत्रकार होते हुए भी उनके पास टिकट्स नहीं होते हैं, तो उस तरह से वो अपनी आईडी कार्ड दिखा के मतलब दिखाते हैं मैं मीडिया से प्रेस से हूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा तो उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे पत्रकार भाई बहन हैं ये समाज में, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगी कि आप भी एक नागरिक हो, हम भी एक नागरिक है, हम चलो आज भारत में हैं, कल को हम फॉरेन में होते तो अगर आप विदाउट टिकट चलते या आप विदाउट इसके चलते तो आपको चलान काटना पड़ता या आपको फाइन भरना पड़ता, आप ये नहीं देखते।
आप जब तक आपकी जिम्मेदारियों को नहीं जानोगे तब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे। हाँ, तो मतलब कि आप एक किन्नर होते हुए भी लोकल में जाना जाना, आप वो सब भी काम करते हो, और एक्ट जो होता है किन्नर समाज होता है, किन्नर समाज से हट के उनके लिए भी आपने कुछ सोचा करने के लिए? हाँ, तो आप ये सवाल पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आज जब मैं पत्रकार बन चुकी हूँ, हालांकि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, मेरा आईडी कार्ड भी मुझे मिल चुका है, तो जब कभी भी मेरे समाज वालों पे, जैसे कि मैं आज किन्नर हूँ, तो मेरे किन्नर समाज में, मेरे किन्नर बहनों पे कभी भी कोई क्राइसिस होगी, कोई विपत्ति होगी, उनका कोई मैसेज मुझे जनता तक पहुँचाना या उनका कोई मैसेज मुझे सरकार तक पहुँचाना है, तो मैं उनके लिए 24/7 खड़ी रहूँगी। मतलब कि जैसे पत्रकार होने वाले, अगर हमें कहीं भी जाना होता है 24 घंटे हमें उस जगह तत्पर होना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ हो गया, उस जगह हमें जाके उस चीज़ का रिपोर्ट लाके करना है। तो मैं उस टाइम भी ना धूप ना बारिश का सोचूंगी। आज मैंने अगर समाज को कुछ अपने पत्रकार होने के जरिए अगर मैं समाज तक कोई मैसेज पहुँचा सकती हूँ तो मैं हमें अपना टाइम पूरा देने तैयार हूँ। मतलब किन्नर समाज में बहुत से लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपने कौन से फील्ड में उन्होंने चुना है, कि या सिर्फ उन्होंने अपने समाज को ही महत्व दिया है, किन्नर समाज को ही महत्व दिया है, कि अलग फील्ड में भी वो रह के काम करना चाहते हैं? जैसे आज के जनरेशन इस हर कोई अपना वजूद बनाना चाहता है, अपना सम्मान चाहता है, अपना अधिकार चाहता है। मैं इस पर आपको एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ किन्नर ऐसे भी है जो अच्छे हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे है, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हुए भी। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसे जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बेसिक ट्रेनिंग ले सके। जैसे कि हालांकि जो छोटे छोटे घरगुती उद्योग होते हैं उनके हाथ में भी कला है, उनमें भी हुनर है, उनका हुनर और कला को जानने की कोशिश की, और जो प्रोफाइल है जो पढ़े लिखे हैं उनको भी कुछ ऐसा जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिले तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हाँ मुझे जॉब मिले, पर वर्क प्लेस पे भी उनको वो अपनापन मिलना चाहिए। अच्छा जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगी। हाँ। कि मैंने सुना नहीं क्या कोई वोकेशन फेस्टिवल शादी ये सब जो होते हैं? हाँ। उसमें भी किन्नरों को बहुत ही मान दिया जाता है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतना सम्मान उनको उस फील्ड में मिलता है, तो इस फील्ड में इस जनरेशन में उन्हें क्यों सम्मानित नहीं किया जा रहा है, क्यों लोग जब लोग हमें मंगल कार्यों में मंगलमुखी बोल के बुलाते हैं कि हमारी आशीर्वाद ले लो, दुआ ले लो, बट कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो लोग हमें एक अलग नजर से देखते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है, जो उनका मतलब एक जरिया है, वो अभी तक बदला नहीं है। शायद आज मुझे पत्रकार देख के आज वो मुझे देखेंगे कि हाँ यहाँ एक ट्रांसजेंडर है, वो किन्नर है, वो भी आज एक पत्रकार बन के लोगों की सहायता कर, लोगों की सेवा कर, लोगों तक सोशल एक हेल्प कर, मैसेज पहुँचा रही, तब उनका जाके हमारे पास देखने का एक नजरिया बदलेगा। तो फिर जैसे आपके समाज के छोटे बच्चे जो नहीं, उनको उस तरह से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, या उनको नहीं वो इंटरेस्ट है कि मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहती हूँ, मतलब मैं किन समाज में नहीं करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए अगर आप लोग हेल्प करके आपका एकजुट होके करना चाहे तो एक एनजीओ वगैरह कर सकते हैं? कहीं ऐसे एनजीओज है जो किन्नरों के लिए काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, स्लो स्लो उनका काम चल रहा है, स्लो स्लो मतलब अभी थोड़ा समय लगेगा जिसमें किन्नरों तक का वो पहुँचे, क्यों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं नॉलेज है इसके बारे में, तो स्लोली स्लोली उन एनजीओस का काम चल रहा है जो किन्नरों को ये कर रहा है। अभी जैसे कि आप लोग संत का हम सब ट्रस्ट, वहाँ से रिक्रूटमेंट चालू हुआ है, मुझे कल ही रात में पता चला कि जो पढ़े लिखे किन्नर है, जो ट्वेल्थ है, जो ग्रेजुएट है, वो उनके लिए जो साइंस फील्ड में से है, आर्ट्स फील्ड में से, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। मतलब तो आप गवर्नमेंट से बोलना चाहती हैं, मतलब एक मैसेज देना चाहती हूं उनको भी कि हमारे समाज के लिए भी आप देखिए, हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम जैसे आप एक पत्रकार बन चुकी है तो हाँ। आप गवर्नमेंट से पूरे अधिकार से उस सामान को मांग सकती है, अपना अधिकार मांग सकती है, उसलिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपने जो किन्नर समाज को दुर्लक्षित किया है उनके ऊपर भी एक ध्यान रखिए,
किन्नरों को एक अलग नजर से ना देखिए। अभी हमारा बीच में जो बिल पास हुआ था वो बिल को लेके बहुत तकलीफ हुई थी, जो गुरु चेला प्रोसेस को भी प्रथा जो थी उसको बंद करने का कोशिश कर रहे थे। ये गुरु चेला प्रथा प्रभु श्री राम के जमाने से चलते आ गई, तो इसे तो आप प्लीज बंद करके या बिल पास करना उस पर ना लगाइए। प्रभु श्री राम के जमाने से हमारे जो किन्नर है जो मंगल कार्यों में आ रहे जा रहे, जैसे बच्चा जैसे बच्चा हो गया, शादी हो गई, दुकान या ओपनिंग हो गई, या किसी का घर नए घर का वास्तु है, तो हमें बुलाया जाता है, हमारी आशीर्वाद लिए जाते हैं, हमें होलिस्टिक माना गया है। लोग मानते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए जब घरों में बच्चे होते हैं तो लोग आप किन्नर को बुलाते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। उस तरीके से हर फील्ड में सम्मान देना चाहिए, सम्मान हमें मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। तो मैं ये मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि हम जैसों को कौन से लेवल पे आप एक जॉब दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट फील्ड में कोई प्लेसेस कोई जगह हमारे जैसों के लिए खाली है तो आप हमारे जैसे को नियुक्त कीजिए। अगर पुलिस फोर्स में आर्म फोर्स में हमारे जैसों के लिए जगह खाली है तो आप हमारे जैसों के लिए वहाँ पे एक कोटा तैयार कीजिए। उससे कैसे होगा कि हमारे वाले भी उसके लिए जा सके। जैसे कोई किन्नर एलिजिबल है कि मैं मिलिट्री में जा सकती हूँ तो उसका उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको वो कोटा में मिलना चाहिए। अगर कोई किन्नर साइंस पास है तो उसको वो डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहिए। मतलब जो भी किन्नर जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनको उस फील्ड में जगह मिलनी चाहिए। अगर कोई किन्नर उतनी एजुकेटेड नहीं है और उस फील्ड में नहीं जा सकते तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, आप कोई कैंप लगाइए जहाँ पे वो कर सकते हैं, तो वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नहीं उतना पढ़ सके लेकिन अब मैंने देखा वो ब्लाइंड के लिए है, हैंडीकैप के लिए है, किन्नरों के लिए तो नहीं है। हैंडीकैप के लिए टेलीफोन बूथ है, किन्नरों के लिए क्या है? ब्लाइंड के लिए टेलीफोन बूथ है, ब्लाइंड के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, हैंडीकैप के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, किन्नरों के लिए क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से। आज के टाइम पे मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर हैंडीकैप के लिए है तो किन्नरों के लिए भी होना चाहिए। मतलब आपका मैसेज देना चाहती है गवर्नमेंट को। तो चार साल से ये किन्नरों समाज के लिए सरकार ने सोचा है, तो कितने परसेंट उन्होंने सोचा कि इतना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं अभी तक ये बताना चाहूंगी आपको दीपक जी कि मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, लास्ट ईयर हमारे लिए वेडिंग आया था कि मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, ये जब कॉलम आया तब हमें बहुत खुशी मिली, बहुत सेटिस्फाइड हुए हम। और प्लस जब हाई कोर्ट ने पास कर दिया था कि थर्ड जेंडर, एक वक्त ऐसा था खाली मेल एंड फीमेल था, हमारी कोई गिनती नहीं थी, पर जब हाईकोर्ट ने हमारे लिए पास किया कि थर्ड जेंडर बोल के हमारा ऑप्शन है तो हमें बहुत खुशी मिली। फर्स्ट जेंडर मेल, सेकंड जेंडर फीमेल, वैसे थर्ड जेंडर आप लोग से फर्स्ट जेंडर मेल फीमेल को 50% अपॉर्चुनिटी मिली है, तो फिर आप अपने लिए भी तो कर सकती हो, क्वालिटी ला के कर सकती है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे हर जगह पे मेल है फीमेल है, जैसे फर्स्ट अभी स्टार्ट तो मेल से हुआ, पुरुषों को पहला मान दिया गया था, उसके बाद महिलाओं को, जैसे फर्स्ट लेडीज ट्रेन मोटरमैन है तो जैसे फर्स्ट लेडीज है जो अंतरिक्ष जाके आई, तो वैसे मेरा कहना है किन्नर काहे के लिए नहीं, किन्नर क्यों नहीं, किन्नरों का भी होना चाहिए कि कोई पहली किन्नर, तो जैसे मुझे मान अभिमान है मेरे किन्नर बहनों पे जो फर्स्ट किन्नर एडवोकेट बने वेस्ट बंगाल से, अपने एडवोकेट सॉरी वो लॉयर बने, जज बने सेशन कोर्ट से, सो कोई किन्नर फर्स्ट चेन्नई से एसआई बने हैं, तो मेरा मुझे भी आज बहुत आनंदित होता है बताते हुए, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज ए न्यूज रिपोर्टर आज समाज में हूँ, आज से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर। तो मैं मेरे बाकी बहनों को भी यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप भी आज आगे आके लोगों के सामने आइए और अपने हक के लिए लड़िए। जैसे मैंने स्ट्रगल किया, जो मेरा नॉलेज था जो मेरी पढ़ाई थी उस हिसाब से मैं आगे आई और आज मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी पा ली। मुझे भी तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड से जाना पड़ा,
जैसे कि अभी आपको मालूम है कि मैंने रिसेंटली अभी एक शॉर्ट फिल्म की हिजड़ा शराब की वरदान पार्ट टू, विकास महाजन जी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी उस फिल्म के लिए, उन्होंने हमें उसमें काम करने का मौका दिया। वो फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई एक्ट्रेस तो है, उसमें मेरा किरदार मिलिट्री सोल्जर का किरदार था जो कि मेरा एक सपना था। मेरा पहले से सपना रह चुका है कि मैं आईएएस या आईपीएस या तो फिर आर्म फोर्स में जाऊं। तो उस टाइम पे जब विकास महाजन जी से हम मिले तो उन्होंने हमें पूरी स्क्रिप्ट और स्टोरी समझाई ऐसा ऐसा है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस फिल्म के थ्रू मेरा सपना ड्रीम था जो नहीं हुआ वो मैं इस फिल्म के थ्रू अपने सपने को मैंने साकार किया। तो वो एक बोलते हैं कि हालांकि एक 5 मिनट का रोल था मेरा, बट मुझे तो मैंने इतना मैंने अपने सपने को एंजॉय किया कि मैंने उस मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहना, वो रनिंग किया जो मेरा किरदार उसमें दिखाया है। तो मैं मेरे बाकी बहनों को भी यही बोलना चाहूँगी कि हमें ना प्रशासन ना कोई आके हमें सपोर्ट करने वाले, ना कोई हक के लिए, हाँ, हमें खुद ही आगे आना, कोई आके हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जाने वाला नहीं है कि आप आइए आप ये कीजिए और आप आगे जाइए। आप में वो काबिलियत है, आप में वो पढ़ाई है, आप में वो नॉलेज और एजुकेशन है, तो आप उठिए अपने हक के लिए लड़िए।